को ले जाएं कहां पर तुम नहीं होते, कहां पर खुद को ले जाएं कहां पर तुम नहीं होते। हमारी आंखों के आंसू कभी भी कम नहीं होते। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन खबरों की तरफ लिए चलने से पहले आप सभी दर्शकों को बता दें कि कल ईद उल जुहा यानी बकरीद का पवित्र त्यौहार है। आप सभी दर्शकों को, सभी लोगों को ईद उल जुहा यानी बकरीद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए अब खबरों से जोड़ते हैं आपको। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आज ICMR के बलराम भार्गव ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि तीसरे वेव का खतरा आने जा रहा है देश पर। कोरोना का तीसरा वेव बहुत जल्दी आएगा और 40 करोड़ लोगों के सर पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोगों का एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 40 करोड़ लोगों के सर के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। इसीलिए हम सबको बच कर रहना होगा और सरकारी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि अगर मुंहतोड़ जवाब देना है कोरोना को तो इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तमाम नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। तीसरा वेव बहुत जल्दी आने जा रहा है, ये कहना है विशेषज्ञों का। और विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि तीसरे वेव में बहुत सारे लोगों को खतरा पहुंच सकता है। अभी अभी हमने आपको बताया कि 40 करोड़ लोगों के ऊपर खतरे का बादल मंडरा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं एक जरूरी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हमारे पास एक खबर आ रही है। आसनसोल में देवांजन कांड की पुनरावृत्ति दिख रही है। देवांजन कांड की तरह आसनसोल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हमारे पास एक मामला आ रहा है, आपको बता दूं कि आसनसोल का एक व्यक्ति है जयदीप, उसने आरोप लगाया है आबिद मलिक पर। उसका कहना है कि आबिद मलिक ने तकरीबन 1 साल से उसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया है, लगातार कर रहा है। 1 साल पहले उसने उसकी गाड़ी ली थी, उसके वाहन को लिया था और अपने वाहन पर नीली बत्ती लगाकर वह घूमा करता है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। और इस बीच उसने कई बार उसे 5-6 लाख रुपए कर के लिए और करीब 1 करोड़ रुपए उसने उससे वसूले, उससे लिए, लेकिन इसे लौटाने की बात करने पर उसने इसे लौटाने से इनकार किया बार बार और उसे टालता रहा। आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद आबिद मलिक को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने कोलकाता से आबिद मलिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और आबिद मलिक खुद को आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ठेकेदार बताता है। और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आज पश्चिम बंगाल में माध्यमिक का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। बंगाल बोर्ड के माध्यमिक का रिजल्ट आ गया है। चूंकि इस बार परीक्षा नहीं ली जा सकी, कोविड-19 संक्रमण की वजह से, महामारी की वजह से माध्यमिक की परीक्षा नहीं ली जा सकी, लेकिन मॉक डील के आधार पर इस बार रिजल्ट घोषित कर दिया गया। छात्र छात्राओं के 9वीं कक्षा के रिजल्ट देखे गए और इसी आधार पर माध्यमिक का रिजल्ट घोषित किया गया और तकरीबन 100% छात्र छात्राओं को इसमें सफलता मिली है, जिनमें से कई स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी हद तक काफी अच्छे रहे हैं और 99% तक इस बार रिजल्ट रहा है। और लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, अभिभावकों में काफी खुशी देखी गई और छात्र छात्राओं में भी इस बार काफी खुशी देखी गई। लोग अपनी सफलता को लेकर काफी खुश नजर आए। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास झलकियां आसनसोल के स्कूलों को लेकर। हमारे संवाददाता ने बातचीत की और वहां का जायजा लिया, वहां के छात्र छात्राओं से मुलाकात की और उनसे ये जानना चाहा कि उनमें किस तरह की प्रतिक्रिया है। रानीगंज से हमारे संवाददाता ने जो भेजी है वीडियो, उस वीडियो में आप देख पाएंगे कि रानीगंज बॉयज स्कूल और गांधी मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के छात्र छात्राओं में कितना उत्साह है। यहां के तकरीबन सभी छात्र छात्राओं को सफलता मिली है और रानीगंज के दूसरे स्कूलों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। তাদের প্রাপ্ত নম্বর 525 বা তার বেশি হতে হবে। যারা বিজ্ঞান এই ধরনের যে ফলাফলটা হয়েছে তাতে করে যারা আমাদের
প্রথম সারির স্টুডেন্ট, ভালো ছাত্র, ভালো ছাত্র ইন দ্য সেন্স ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দেয়ার স্টুডেন্ট লাইফ, যে হয়তো ফার্স্ট সেকেন্ড এই র্যাঙ্ক করে আসছে। তারা নাইনেও স্বাভাবিকভাবে ভালো পরীক্ষা দিয়েছিল, নাইনে যে ফলাফলটা তারা করেছিল সেটা প্লাস আমাদের প্রজেক্ট মার্কস দুটো ইনক্লুড করে এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলটা তৈরি করা হয়েছে। তা ক্লাস নাইনে যারা ভালো ফলাফল করেছিল স্বাভাবিকভাবে তাদের ফলটা আমরা এখন ক্লাস টেনে, কিন্তু তারা তখন ভাবেনি যে নাইনের রেজাল্টটা এইভাবে তাদের কাজে লেগে যাবে। যাই হোক, ভালো স্টুডেন্টের 90% তারা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আছে, এটা তো বাস্তব। তারা আরও ভেবেছিল আরও ফলাফলটা করবে। আর এভারেজ এই রেজাল্টটা আমার মনে হয় যে ভর্তির ক্ষেত্রে মূলত কাজে লাগে, এবং যেহেতু জীবনের প্রথম পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় ফলাফলটা উপরে তাকিয়ে নিজের পরিবার সহ আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী এই রেজাল্টের প্রতি একটা আগ্রহ থাকে, কিন্তু সেই আগ্রহটাতে একটু ভাটা পড়েছে মনে হচ্ছে। তো যাই হোক, ভবিষ্যতে একাদশ এবং দ্বাদশ এই শ্রেণীগুলোতে তারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে তারা কাঙ্ক্ষিত যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য যাতে প্রয়াসী হয়, তাতে মাধ্যমিকের রেজাল্ট যদি কারো মনোমতো না হয়ে থাকে তারা আবার সুযোগ পাবে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণী যদি মন দিয়ে পড়ে এবং একটা ভালো স্কুলে অ্যাডমিশন নিয়ে তাদের পুরোটা উজাড় করে দিতে পারে, অবশ্যই তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। 64, তার নামটা হচ্ছে সায়ন দাস, আর থার্ড হয়েছে 656 অনিকেত রক্ষিত। আমাদের ওভারঅল পরীক্ষা দিয়েছিল 200 অ্যাভাব 80% 53 অ্যাভাব 80% পেয়েছে 53 জন। আমার নাম হচ্ছে প্রতিম চ্যাটার্জি। তো প্রথমে তো ক্রোম ব্রাউজার বা যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করে ওইটাতে www.indiaresult2021 সার্চ করার পর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আর ডেট অফ বার্থ দিয়ে পরে মানে সার্চ করতে হবে, তখন রেজাল্টটা চলে আসবে। PDF ডাউনলোড করতে হবে তখন, এটাই প্রসেস। আমার 506 ফার্স্ট ডিভিশন। এইটা তো নাইনের মানে নাইনের নাম্বারটার বেসিসে এটা মানে টেনেরটার উপর দিয়েছে, এর থেকে বেশি আসতো না। স্যাটিসফ্যাকশন ঠিক আছে, করোনার সময় এরকম এক্সাম নেয়নি, বেটার এটাই। এবার এরকম নাম্বারে ঠিক আছে। রণিত মণ্ডল আছে, রেজাল্ট তো আমার ঠিক মানে টেনে এলে যদি মাধ্যমিক পরীক্ষা হতো তো একটু ভালো রেজাল্ট হতো আমার। মানে নাইনে একটু পরীক্ষাটা খারাপ, অ্যাকচুয়ালি শরীরটা তখন খারাপ ছিল পরীক্ষার টাইমে, তো ভালো রেজাল্ট করে মানে পরীক্ষা দিতে পারিনি ঠিকঠাক। যদি মাধ্যমিক দিতে পারতাম তো ভালো হতো। রেজাল্ট আমি ব্রাউজার থেকে দেখলাম, ইন্ডিয়া রেজাল্ট থেকে দেখলাম, PDF 484 সৌমদীপ ঘাঁটি। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर से हमारे पास खबर आ रही है। बारुईपुर स्थित फिल्म सिटी में आज मुआयना करने पहुंचे तीन मंत्री, राज्य के तीन मंत्री इंद्रनील सेन, अरूप विश्वास और चंद्रिमा भट्टाचार्य। इन तीनों मंत्रियों के यहां पहुंचने के बाद यहां के लोगों में नाराजगी भी पसर गई। ये तीनों मंत्री आज बारुईपुर के फिल्म सिटी पहुंचे, लेकिन यहां के लोगों में काफी नाराजगी पसर गई और इनका कहना है कि यहां के जो स्थानीय विधायक हैं अभिमान बैनर्जी, उनको यहां आना चाहिए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये तीनों मंत्री क्यों आए, इसे लेकर इन लोगों में काफी नाराजगी पसर गई और इन लोगों ने इन तीनों मंत्रियों का विरोध भी किया। उन्होंने बार बार कहा कि यहां विमान बैनर्जी को आना चाहिए था क्योंकि वह यहां के स्थानीय विधायक है और इस फिल्म सिटी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ भी रहा है, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में राज्य के तीन मंत्री यहां क्यों आए, इसे लेकर काफी नाराजगी देखी गई। और आप देख पाएंगे इस रिपोर्ट में कि किस तरह से लोग नाराज रहे यहां पे। और आखिरकार अरूप विश्वास जो मंत्री हैं राज्य सरकार के, उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द ही विमान बैनर्जी भी यहां आएंगे मुआयने के लिए और फिल्म सिटी को लेकर बातचीत करेंगे और फिल्म सिटी के विकास को लेकर वह बातचीत करेंगे। इसके बाद ही लोग शांत हो पाए। দীর্ঘকালের বিধায়ক উনি,
এবং ওনার প্রয়াসে এবং ওনার চেষ্টায় আমরা সমবেতভাবে যা বিক্ষোভ ক্ষোভ ছিল সেইগুলোকে প্রশমিত করে একটা উন্নয়নের ধারা চলছে এখানে। কিন্তু আজকে দেখছি অবাক যে এখানে হ্যান্ড ওভার বা কিছু একটা প্রোগ্রাম চলছে আমাদের স্থানীয় বিধায়ক নিয়ে, এটা আমার কাছে খুব ব্যথাদায়ক বলে মনে হয়েছে। বিমান দাসে কথা হয়েছে না আমার এখানে কথা হয়নি, এটা হয়নি। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বিষয়টা জানিয়েছি এবং আমরা যাতে সুস্থভাবে জল নিকাশির একটা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় মাধ্যমে যাতে হয়, স্থানীয়ভাবে যে পানীয় জলের যে অভাব আছে সেটা যাতে মেটে, এবং এটা একইজনের সময় বামপন্থ সরকারের ল্যান্ড ইউজারদের একটা কার্ড দিয়েছিল জবের জন্য, সেটা নিয়ে বিরোধীদের একটা সংঘবদ্ধ একটা আন্দোলন গড়ে উঠছে, সেটাও কিভাবে প্রশমিত করা যায়, সবটাই মিলিয়ে একটা সুস্থ সমাধান চাইছি আমরা। বিক্ষোভ কিছু নয়, আমাদের মন্ত্রী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে অরূপ বিশ্বাস মহাশয় এসেছিলেন, চন্ডিমাদি ছিলেন, আমরা এই এলাকার বিভিন্ন মানে এলাকায় যে জল বর্ষাকালে যে জল জমে যাচ্ছে এগ্রিকালচারে ও সমস্ত ধ্বংস হচ্ছে, এখানে ডেভেলপমেন্ট করার পরে একটা সুস্থ জল নিকাশির জন্য আমরা বারবার স্থানীয় বিধায়ক বিমান ব্যানার্জির নেতৃত্বে কেএমডিএকে আমরা বলেছি, একাধিকবার মিটিং হয়েছে কিন্তু কোনোভাবে সুরাহা হচ্ছে না। এবারেও বর্ষাকাল চলছে, আপনারা আশপাশে গিয়ে দেখুন জল থইথই করছে, তাছাড়া পানীয় জল নেই। তারপরও এখানে একটা যার নেতৃত্বে এই ধরুন আজকে বিমান বাহিনীর নেতৃত্বে এখানে আজকে এতগুলো একটা উন্নয়নের একটা ধারা চলছে, স্থানীয় বিধায়ক দেখছি এখানে নেই, কি কারণে আমরা বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমরা চাইছি সুষ্ঠুভাবে সব তো সমাধান হোক। শেষে বলবো মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, থ্যাংক ইউ।